Hello, brilliant students. How are you? Hope that you are all fine and spending a great time. Students, this time we are doing for class 9th, exercise 13.7 and question number 4. यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? Volume दिया हुआ है और हमें height दे रखी है और हमसे पूछा गया है diameter. Okay, let us see what is the question. If the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube. Find the diameter of the base. वॉल्यूम ये हो गया 48 pi centimeter cube और इसकी जो हाइट है वो है 9 centimeter और हमें जो निकालना है वो है डायामीटर. ओके स्टूडेंट्स, देखिए फार्मूले के अंदर, वॉल्यूम के फार्मूले के अंदर हमारे पास रेडियस है, हाइट है और वॉल्यूम है, ये तीन चीज़ें हैं. अब यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम और हाइट, ये दो चीज़ें दी हुई है और जो हमें निकालना है वो है डायमीटर निकालना है. तो पहले इसके लिए आपको रेडियस निकालना होगा. रेडियस निकालने के बाद डायमीटर का डबल करेंगे तो वो हमारे पास रेडियस जो आप निकाल चुके होंगे तो फिर रेडियस का जब आप डबल करेंगे तो आपके पास डायमीटर भी आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डू दिस. सॉल्यूशन इन अ कोन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, राइट सर्कुलर कोन, बस इतना लिख दिया. देखिए जो कंपटीशन के एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो. मैं एक स्टूडेंट को जैसे उसको अपनी नोटबुक में लिखना होता है और फिर एग्जाम में लिखना होता है, मैं उसी हिसाब से करवा रहा हूँ. ओके, ये आर हमें पता करनी है और ये हुई 9 सेंटीमीटर हाइट. हाइट एच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम वी इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. याद रखिए यूनिट ना सेम होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको भी याद, और ये भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए. अगर ये मीटर में दे रखी होती तो पहले आप इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलते क्योंकि हमारा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है. या फिर ये करते कि अगर ये मीटर में है तो आपको ये सेंटीमीटर क्यूब को पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता, तो यूनिट सेम होनी चाहिए. ओके, वो कैसे है वो आप जानते हैं कि भाई आप अगर मान लिया सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 1/100 × 1/100 × 1/100 यानी कि 1/10 लाख से आपको इसको डिवाइड करना होता. तो आप क्वेश्चन के हिसाब से ही कीजिएगा कि आपको यूनिट सेम रखनी हो. ओके, तो अभी तो ये सेंटीमीटर में दे रखा है. वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 πr² h. ये बड़ा अच्छा काम हो गया हमारे पास कि इधर पाई दे रखी है और उधर भी पाई है, पाई से पाई कट जाएगा सीधे के सीधे, हमारा काम आसान हो गया. अब h, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, जो ये h है और ये 3 है, जो 3 नीचे था ये ऊपर चला जाएगा. डेनोमिनेटर में जो होता है इक्वल के दूसरी तरफ जा कर के न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में होता है इक्वल के दूसरी तरफ जा कर के डेनोमिनेटर में उलट हो जाता है. ओके, तो एच नीचे आ गया, 48 × 3 / 9, एच की वैल्यू 9 है. 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3, 16 × 3 = 16. 16 का मतलब क्या हुआ, 4 square. आर स्क्वेयर रिजल्ट टू 4 स्क्वेयर, तो आर की वैल्यू आई 4 सेंटीमीटर. तो इस हमें जो निकालना था वो था डायामीटर, राइट.
डायामीटर देन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर दैट इज 2 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर और आंसर इज डायामीटर फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज डायामीटर एंड दिस वन इज 4 सेंटीमीटर वी गॉट एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर विच वी हैव गॉट 8 सेंटीमीटर ओके स्टूडेंट्स दिस इज आवर आंसर This way we have completed this fourth question. In next video, we will do next question. Okay, then we will meet.